सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आप ठीक ही होगे। स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। और जो आज की ब्लॉगिंग है वो आप लोग पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो, समझ ही गए होगे कि कहाँ हैं। अभी हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में हैं सोलन, जो कि कुछ काम से आए हुए हैं। और मेरे साथ आया है नीतीश और अजय ठाकुर भी है, वो पीछे देखो। और अभी हम लोग इधर कुछ काम से आए हैं, तो आपको दिखाएंगे आज का यहाँ का पूरा ब्लॉगिंग। तो आज बहुत टाइम तक रहेंगे क्योंकि कॉलेज से ही आए हम डायरेक्ट। देखो बैग बुक टांग के और टाइम, क्योंकि मैं कॉलेज से आया हूँ, ये तो घर पे बता के आए हैं, मगर मैंने भी घर पे बता दिया है। यार इतना अच्छा तो बद्दी में भी सीन नहीं आता है जितना यहाँ पे आ रहा है। बद्दी वैसा तो ये जो घर है। हाँ सोलन का समय देख, आप लोग देख ही रहोगे, आज आपका भाई भी बड़ा कैंट लग रहा है, बाल बुल बड़े सिल्की से हो रहे हैं। तो अभी हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आएगी उसके बाद थोड़ा और आगे जाना है हमको, जिस काम के लिए आए हैं हम इधर पे। तो अभी देखते हैं, इधर पे ही बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर आगे सीन दिखाएंगे। और आगे से धूप ज़्यादा पड़ रही है, तो चलो फिर आगे मिलते हैं। Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the सो फ्रेंड, अभी हम लोग आए हैं ओच घाट, जो कि सोलन से थोड़ा आगे है। और एक दो सेल्फी भी हो जाए। मैं तो जो कि हम ओच घाट में अभी आए हैं, थोड़ा काम था, काम तो हो गया, अब थोड़ा मतलब घूम फिर लेते हैं जगह भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो कभी दोबारा आया तो थोड़ा कुछ पता भी होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बना लेते हैं और घूम फिर भी लेते हैं। यहाँ पर कोई ब्लॉगर भी बहुत से देख लिए हैं मैंने, बहुत से ब्लॉगर थे यहाँ पर जो कि मैंने अभी देखा है। और अभी बहुत मस्त लोकेशन है, थोड़ी फ़ोटो वोटो शूट भी कर ही लेते हैं, और इंस्टाग्राम पे देख लेना आप लोग, फोटो देखनी है तो। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो ना, पीछे का बैकग्राउंड देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जंगली जंगल है, क्योंकि अभी जिस जगह पे हम आए हैं, अभी हम जहाँ पे उतरे थे ना वहाँ पे दिखाऊंगा आपको, और भी मस्त जगह है, क्योंकि यहाँ पे तो बस यही दिख रहा है और यहाँ पे रोड दिख रही है। थोड़ा फ़ोटो शूट करने के लिए आए थे, तो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। इंस्टा पे देख लेना, स्टोरी भी लगा ही है और स्टोरी भी देख ही लेना। तो बोर्ड तो दिखा दिया मैंने, तो अभी दिखाते हैं, अभी इधर इसकी गाड़ी के साथ फ़ोटो खींचेंगे, वो पीछे जो गाड़ी खड़ी है। बस इधर पे क्वालिटी बहुत मस्त आ रही है, मेरे को यहाँ का मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बद्दी के ब्लॉग आते रहते हैं, तो मैं सोचा कहीं थोड़ा बाहर भी घूम लें। और पहली बार आया हूँ फ्रेंडों के साथ, कभी और आएंगे तो और भी ख़तरनाक ब्लॉग बनाएंगे। तो जो भी है आप लोग देख लेना, अभी नए हो तो लाइक कर देना वीडियो को। तो चलो आगे देखते हैं। दोस्तों हमने इस जगह पर कम से कम आधा एक घंटा लगा दिया है, मतलब फ़ोटो शूट और टिकटॉक्स वीडियो बना बना के, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। इधर ही पे हूँ, अभी ऊपर का बैकग्राउंड दिखाऊँ आपको। देखो यार लाइट ज़्यादा पड़ रही है ऊपर को, वो देखो ऊपर, बहुत मस्त जगह है, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत सारी टिकटॉक वीडियो बनाई है। ये देखो अभी भी टिकटॉक वीडियो ही चल रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब सोलन वाले बस स्टैंड पे, अभी हम दूसरी जगह पे हैं, अब वहाँ जाएंगे और वहाँ का थोड़ा बहुत सीन दिखाऊँगा, और बस में कोई सीन होंगे वो दिखाऊँगा, क्योंकि जो बस से सीन देख रहे थे वो ज़्यादा अच्छे थे, उतरने पर इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। बट ठंडी बहुत है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो चलो अब चलते हैं। हम
हमको यहाँ आने में कम से कम 2.5 घंटे लग गए हैं। बद्दी से सीधा डायरेक्ट सोलन 2.5 घंटे लग गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमको, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी हम लोग जाने लगे हैं रोड से, और भी और सीन दिखाते हैं आपको, चलो चलते हैं। हाँ चलो और सीन दिखाएंगे। बस नहीं मिल रही है यहाँ पे, बहुत टाइम हो गया, 3 बज गए हैं, बस नहीं मिल रही। अब नॉन स्टॉप बस आ गई है, तो देखते हैं उस पर जाके चलेगी तो ठीक है, नहीं तो आज लग रहा है यहीं पे जाना पड़ना। तो चलो फिर। सो दोस्तों, अभी मैं अपने घर आ चुका हूँ और अभी आया हूँ। ज़्यादा बस मेरे को 20 मिनट हुए होंगे, क्योंकि खाना खुना खा के आया हूँ अभी ऊपर। तो भाई थक भी गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि सुबह निकले हुए थे 9 बजे के और यहाँ पे पहुँचे हैं बद्दी में 5:30 बजे, तो ज़्यादा टाइम हो गया था। और वहाँ पे हमने इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग भी क्योंकि नहीं किया मैंने, क्योंकि वहाँ कुछ काम से गए थे हम, कुछ दवाई दवुई लेने गए थे दादी जी की, तो वहाँ पे हमने सोचा अब जब जा ही रहे हैं तो थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर ली, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी वहाँ लगाने के लिए फिर एक दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रुकेंगे तभी ब्लॉगिंग होगी, क्योंकि इतना कुछ मैंने देखा भी नहीं था। पहली बार गया था मैं, जो भी मुझे दिख रहा था मैं उसकी वीडियो शूट कर रहा था, बहुत सारे लोग आसपास के देख रहे थे, थोड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे क्योंकि पहली बार गया था। तो अगली बार जब हम जाएंगे तो आपको और भी अच्छा ब्लॉग देंगे। तो आपको इस ब्लॉग में जो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके प्लीज़ इस चैनल पे आ जाओ, ऐसी नए नए अपडेट होते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।